क्या भारतीय करेंसी नोटों से गांधी जी की तस्वीर गायब हो जाएगी? क्या अब नोटों पर गांधी की जगह छपेगी टैगोर कलाम की तस्वीर? इन सवालों के आपको हम जवाब देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। चलिए पहले आपको पूरा दावा बता देते हैं जो किया जा रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों में ये दावे किए गए कि आरबीआई करेंसी नोट्स पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीरों के उपयोग पर विचार कर रही है। कहा गया कि ये पहली बार होगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय नोटों पर महात्मा गांधी के अलावा अन्य हस्तियों की फोटो लगाने पर विचार कर रहा है। कहा तो ये भी गया कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई के तहत आने वाले सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SPMCIL ने गांधी, टैगोर और कलाम के वॉटरमार्क वाली तस्वीरों के नमूने के दो अलग अलग सेट IIT दिल्ली के एमेरिटस प्रोफेसर दिलीप टी शाहनी को भेज दिए हैं। प्रोफेसर शाहनी को दो सेटों में से एक सेट चुनकर सरकार के समक्ष पेश करने के लिए कहा गया। जब इस तरह के कुछ कयास लगाए जाने लगे तो आप हम सब हैरान रह गए कि भाई हमेशा से नोटों पर दिखने वाले गांधी भला कैसे और क्यों गायब हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? तो जवाब है नहीं। इन सभी दावों का सरकार ने खंडन किया है। आरबीआई ने खुद एक स्टेटमेंट जारी कर इन सभी रिपोर्ट्स पर लगा दिया फुल स्टॉप। आरबीआई ने कहा कि मीडिया में कई सेक्शंस में रिपोर्ट किया जा रहा है कि आरबीआई करेंसी और बैंक नोट्स पर ये महात्मा गांधी की जो फोटो है उसे हटाकर किसी और की फोटो लगाने वाला है आरबीआई। हम ये साफ करते हैं कि ऐसा कोई भी प्रपोजल आरबीआई की तरफ से नहीं दिया गया है। आपको याद दिला दे, पहले भी इस तरह की मांगे उठती रही हैं कि गांधी की तस्वीर हटाकर और किसी की फोटो लगाई जाए। 2021 में तो एक ऐसा मामला कोर्ट भी पहुंचा था। मद्रास हाई कोर्ट में मांग की गई थी कि भारतीय करेंसी नोट पर गांधी को हटाकर सुभाष चंद्र बोस की पिक्चर लगाई जाए और इस पेटिशन को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने डिसमिस कर दिया था। 2010 में भी इस तरह की बातें उठी थी। केंद्र के बनाए हुए एक पैनल ने कहा था कि महात्मा गांधी के अलावा कोई और शख्स नहीं हो सकता जो कि भारत की ईथोस को बेहतर रिप्रेजेंट कर सके। आज फिर ये मुद्दा उठ रहा है, लेकिन दावे सिर्फ दावे ही हैं। सरकार के मुताबिक ये दावे फर्जी हैं और फिलहाल तो यूं है कि भारत के करेंसी नोटों पर सिर्फ और सिर्फ गांधी ही दिखेंगे, उन्हीं का बोलबाला रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।